दोस्तों नमस्कार। आज हम आपको लेकर चलते हैं गुड़गांव रेलवे स्टेशन पर। आपको बताएंगे कि यहाँ से कौन कौन से सिटी के लिए ट्रेन चलती है और वो कितने बजे चलती है, यानी कि पूरा टाइम टेबल तथा अन्य बहुत सारी जानकारी। तो आइए चलते हैं रेलवे स्टेशन पर। जब आप स्टेशन के कैंपस में एंट्री करते हैं तो एंट्री करते ही पार्किंग है वहाँ पर और सामने रिजर्वेशन ऑफिस है तथा एंट्री जो है वो राइट हैंड साइड के अंदर है। थोड़ा आपको पैदल चलना पड़ेगा। ये मेन स्टेशन की एंट्री है। बुकिंग विंडो पर भीड़ कम करने के लिए रेलवे ने कुछ वेंडिंग मशीन्स भी लगाई हैं। आप इनसे भी टिकट परचेज कर सकते हैं। यहाँ से टिकट लेकर आप प्लेटफार्म नंबर 1 पर पहुँच जाते हैं। यदि आपको रेवाड़ी की तरफ जाना है तो प्लेटफार्म नंबर 1 पर ही खड़े रहिए, और यदि आपको दिल्ली की तरफ जाना है तो इस पुल से आप क्रॉस कीजिए और प्लेटफार्म नंबर 2 पर चले जाइए। गुड़गांव रेलवे स्टेशन ज़्यादा बड़ा नहीं है। एंट्री और एग्जिट का एक ही गेट है तथा यहाँ पर केवल 2 प्लेटफॉर्म है। या मैं कहूँ कि गुड़गांव से 2 डायरेक्शन में ट्रेन जाती हैं, एक दिल्ली की तरफ और दूसरा रेवाड़ी की तरफ। सबसे ज़्यादा ट्रेनें रेवाड़ी होते हुए राजस्थान के लिए और गुजरात के लिए जाती हैं, जैसे कि जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, उदयपुर, आबू रोड, अहमदाबाद, ओखा, द्वारका और यहाँ तक कि मुंबई बांद्रा स्टेशन तक। प्लेटफार्म नंबर 2 से पुरानी दिल्ली यानी कि दिल्ली जंक्शन और नई दिल्ली होते हुए यूपी, बिहार और आसाम तक ट्रेन जाती हैं। यहाँ से उत्तराखंड के रामनगर, जिम कॉर्बेट, देहरादून, काठगोदाम जो कि नैनीताल का नजदीक है, हावड़ा, न्यू जलपाईगुड़ी और आसाम के गुवाहाटी यानी कामाख्या तक ट्रेन जाती हैं। दिल्ली के लिए दिन में 12 पैसेंजर ट्रेन चलती हैं जो कि काफ़ी सस्ती हैं मेट्रो से। खास करके दिल्ली तक का किराया मात्र 10 रुपये है। दिल्ली के लिए पहली पैसेंजर ट्रेन सुबह 5 बजे और लास्ट पैसेंजर ट्रेन रात को 9:45 बजे है, और दिल्ली तक पहुंचने में ये पैसेंजर ट्रेन कम से कम 1.5 घंटा लेती है, 1.5 आवर। एग्जैक्ट टाइम टेबल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। रेवाड़ी के लिए पहली पैसेंजर सुबह 4:30 बजे और लास्ट रात को 9 बजे है। रेवाड़ी के लिए मोस्ट सूटेबल पैसेंजर ट्रेन सुबह 8:15 बजे और दिल्ली के लिए सुबह 8:30 बजे है। एक्सप्रेस ट्रेनों की बात करें तो पूजा एक्सप्रेस जाती है अजमेर से जम्मू, उदयपुर के लिए जाती है चेतक एक्सप्रेस और आश्रम एक्सप्रेस जाती है अहमदाबाद। बाकी ट्रेन्स की जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स देख सकते हैं। आपको सोना चौक और बस स्टैंड से रेलवे स्टेशन के लिए ऑटो मिल जाएंगे जो सिर्फ 10 रुपये लेते हैं। आजकल गुरुगमन की ये सिटी बस भी रेलवे स्टेशन तक जाती है तो आप ये भी पकड़ सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कल आपके लिए एक नई जानकारी के साथ नया वीडियो लेकर फिर आऊँगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।